देखिए यहाँ देखो, सबसे पहले ये मेन क्वेश्चन है जो तुम्हें खत्म नहीं करने, जो बिल्कुल नहीं छोड़ने। ध्यान दो, देखो सबसे पहले दो चैप्टर, सेकंड चैप्टर में भी तीन क्वेश्चन इनवर्स वाले, जो साइन इनवर्स वाला है, एक कोस इनवर्स वाला है और एक टेन इनवर्स एक्स वाला है, इन्हें कर लेना, ये बिल्कुल काफी। इसके अलावा और कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं बिल्कुल। फिर हमारा तीसरा चैप्टर है, तीसरे चैप्टर में तुम्हें क्या क्या करना है देखो। तीसरे चैप्टर में एक तो क्वेश्चन करना है टेन इनवर्स वाला, टेन इनवर्स अल्फा बाई टू करके वो क्वेश्चन है। दूसरा एक क्वेश्चन कौन सा करना, सममित वाला, और तीसरा इनवर्स वाला। ये उनके लिए है जो बिल्कुल ज्यादा पढ़ने नहीं चाहते, तो ये तीन काम कर लेना इसमें। इससे इसमें से क्वेश्चन 100% उन्हें मिल जाएगा, इससे ज्यादा इसमें सिग्नल भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर चार करो, चैप्टर नंबर चार में जो हमें करना है वो करना एक तो प्रूफ वाला क्वेश्चन, प्रूफ वाला। वो प्रूफ वाला क्वेश्चन भी कौन सा था मैंने तुम्हें बताई थी लास्ट के जो 12, 13, 14 और 15वां क्वेश्चन है, तो ये इन चार में से, और लास्ट के चार एग्जांपल उस एक्सरसाइज से पहले, ये कर लेना। इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं, इसमें से 100% क्वेश्चन मिलेगा। एक तो ये काम करना, दूसरा काम क्या करना है इसमें, एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक आना ऑब्व्यू विधि से, किससे ऑब्व्यू विधि से समीकरण हल करना, यो 100% क्वेश्चन आएगा। तो इन दोनों में दोनों क्वेश्चन आएगा बड़े आएंगे गारंटेड। इससे ज्यादा चाहे इसमें कुछ भी मत करना, चाहे सब छोड़ देना, लेकिन यो काम तो करना ही करना। समझ में आने बात। अब आओ चैप्टर नंबर किस पे, चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 में देखो क्या करना, डिफरेंशियल। एक क्वेश्चन तो 5.1 में से आएगा, इसे मैं करा दूंगा इंपॉर्टेंट वीडियो में, तो उससे कर लेना। समझ में आने बात। उसके बाद 5.3 में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, कौन सा, वो इनवर्स वाले लास्ट के तीन चार क्वेश्चन थे ना भाई, साइन इनवर्स टेन इनवर्स वाले, वहां से एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन लॉग वाला आएगा गारंटीड, और वे दो तीन क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगवा रखे। एक तो उदाहरण दो x की पावर y, y की पावर x वाला, उस तरीके का एक उदाहरण दो शायद। और एक कौन सा था, लॉग x की पावर x, x की पावर y, चार पांच क्वेश्चन है, चार पांच का इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वीडियो में करा दूंगा। वहां से एक क्वेश्चन निश्चित आ गया गारंटीड, और एक क्वेश्चन आओगे डबल डिफरेंशियल वाले एक्सरसाइज में, d2y/dx2, वे जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है उसमें एक तो है 10वां और एक है 11वां, किसका, 5.6 का। इससे बाहर तुम्हें कुछ नहीं करना, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल इनफ है, इससे बाहर भी कुछ नहीं करना। छठे चैप्टर में आओ, ये चैप्टर वो है जो कम समझ में आता है, इसमें चॉइस में भी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसमें से तुम्हें जो क्वेश्चन कर लेना, वे एक तो कर लेना टेंजेंट एंड नॉर्मल के, ये आसान है, स्पर्शी और अभिलंब के। और दूसरा तुम्हें क्या कर लेना है, कौन सा एक कर लेना तुम्हें मैक्सिमम और कौन सा मिनिमम, जो मैंने कराया था है ना, इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक दो और करवा लेंगे। इससे ज्यादा छठे में दिमाग मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये चैप्टर तुम्हें सबसे बाद में करना, सबसे लास्ट में, लास्ट में करना सबसे। ये दो तीन चार पांच स्टार्टिंग में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर नंबर 7, जिसके बारे में तुम्हें मैंने सबसे ज्यादा बता रखा और सबसे फेमस चैप्टर कौन सा, इंटीग्रेशन समाकलन। इसमें से तो मेरे बताए हुए से क्वेश्चन लेफ्ट और राइट में भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल वही आओगे। तो निश्चित तौर पर मैंने तुम्हें लिखवा रखा है 10 बार रटवा दी, कौन कौन से, उदाहरण नंबर 37, उदाहरण नंबर 45 और कौन सा 42, क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट विविध का 23वां, 23 के बाद कौन सा 24वां, और एक क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज में करवाया था, ये वीडियो में भी करवा दिया, 1/10x वाला, अरे करवाया था कि नहीं करवाया था, अरे क्वेश्चन था 1/ क्या, cos x plus a और x plus b, यो क्वेश्चन किसमें भी, विविध में भी और किसमें भी, पहले में भी। इतना कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आनेगा, ये मेरी गारंटी है, इंटीग्रेशन में इससे बाहर कुछ नहीं आनेगा बिल्कुल भी। अब 8th चैप्टर में आओ, 8th चैप्टर में मात्र 10 एग्जांपल है, वो जो इंपॉर्टेंट बता रहा कि 10 के 10 में एग्जांपल कर लेना, बिल्कुल तुम्हें क्वेश्चन वहीं से मिल जाएगा, ये काम करना ही करना। टोटल क्वेश्चन मिला के तुम्हारे पूरी बुक में 70-80 क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं आने का। 9th में, 9th में 9.4 है, 5 है और 6 है, इनसे पहले जो भी एग्जांपल दिए हैं बस वो कर लेना, तीन मेथड है, तीनों मेथड पे वो क्वेश्चन कर लेना, 100% आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, बिल्कुल यहीं से मिलेंगे, इससे ज्यादा और इसमें कुछ नहीं करना, बस एग्जांपल एग्जांपल कर लेना, लेकिन एग्जांपल मत छोड़ना। समझ में आ गई, एक्सरसाइज में जो मैंने बताया वो कर लो, नहीं भी करो तो यो काम तो करना ही करना। समझ में आ गई इतनी बात। अब आ जाओ इसमें, 10th 11th और 12th, ये तीन चैप्टर में है
जो बिल्कुल पास कराएंगे 100% वाले क्वेश्चन है। जैसे 12 में से एक क्वेश्चन आना एरिया निकालने वाला पहली एक्सरसाइज में से आ जाऊंगा, और नहीं तो दूसरी एक्सरसाइज की सिर्फ तुम्हें क्या करने एग्जांपल। अरे समझ में आ गई बात, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। 11वें चैप्टर में आओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी 8 नंबर में जब तो ही रखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। पेपर को पीछे की साइड से खोलना, जैसे खोलोगे सबसे पीछे लिखा मिलेगा न्यूनतम दूरी, उसके अथवा में क्या मिलेगा 37 45 या 42 में से कोई सा एक क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर उससे पहला देखना, जो दो चॉइस क्या होंगे उसमें से एक क्वेश्चन तुम्हें किसका मिलेगा ऑब्व्यू विधि का हल करने वाला क्वेश्चन निश्चित तौर पे। उससे पीछे को आना, एक क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें किसका सममित विषम सममित का। पेपर को पीछे से खोलना, सारे होम क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दिखाई देंगे हां ये होंगे। किसी दिन तो पेपर का हो जाओगे ऐसे, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे क्वेश्चन आना ही आना, और इसमें मैंने तुम्हें एक दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन कर लियो बस। एक न्यूनतम दूरी वाला, न्यूनतम दूरी में दो कंडीशन थी, एक कौन सा जब रेखाएं क्या हो समांतर और एक जब समांतर ना होना। दूसरी चीज क्या करनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बाद क्या बताया था, जब दो क्या कर रहे हो जब दो प्रतिच्छेद कर रहे हो समांतर, और तीसरे का प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद वाला कर लेना। और एक लास्ट क्वेश्चन बस, क्वेश्चन नंबर 4 इमेज वाला नहीं, कौन सा जिसमें वो क्या पूछ रहा था, पांच के बिंदु पूछ रहा था हमसे, वो 100% आएगा इस बार क्वेश्चन गारंटेड। मात्र ये तीन क्वेश्चन कर लेना काम हो जाएगा। चैप्टर बचा 10th में से तो बस बहुत आसान है, दो चार क्वेश्चन वे है दो नंबर वाले, वहां से कर लेना एग्जाम्पल नहीं छोड़ने। अब इसमें तुम क्वेश्चन लगा लो, चलो दो क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के, एक इसका और एक इसका, चार पांच क्वेश्चन तो यहां से कर लेना बस। चलो 5 से 7 क्वेश्चन लगा लिए कि 5 से 7 तो तुम्हें यहां से कर लेंगे। यहां से कितने, यहां तुम्हारे 8 से 10 क्वेश्चन है। इससे बाहर कुछ नहीं आना, इंपोर्टेंट है। यहां तुम्हारे कौन सा है नोवा, नोवे में भी 10 एग्जाम्पल है, इससे ज्यादा एग्जाम्पल है नहीं। 8वें में 10 एग्जाम्पल मैंने पहले लिखा दिए, ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें भी तुम्हें 10 से 12 क्वेश्चन है, मात्र 10 से 12 क्वेश्चन बस। यहाँ टेंजेंट एंड नॉर्मल में इसमें भी मैं तुम्हें 10 से 12 क्वेश्चन बताऊंगा बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो 5th चैप्टर में भी हमारे कितने 15 के लगभग क्वेश्चन है टोटल रहेगा हमारे, तो ये वाला है इसमें भी मात्र 10 क्वेश्चन है। 10 इनवर्स इसमें तो मात्र 7 से 8 क्वेश्चन है, और हमारा दूसरे चैप्टर में तो मात्र 4 से कितने क्वेश्चन है 5। लगाओ जरा कितने बैठ गए, 10 और 7 17 17 और 10 37 37 और 10 47 47 और 10 57 57 और 8 ही लगा लो 65 65 और 5 70 क्वेश्चन है। कौन सा चैप्टर, 8 और 70 और 10 80, ये 80 क्वेश्चन कर लियो, 80 में से 80 नंबर तो आई जाओगे निश्चित तौर पे, इतना तो लग जाएगा पेपर यू गारंटी है जाओ इतना। अरे कोई कोई बच्चा ये कहे कि मैं इतना भी नहीं कर सकता, मेरे बस की इतना भी करना नहीं है, तो उसका भी जुगाड़ है। एक तो ये वाले क्वेश्चन कर लेना, 3 तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला और ये वाला और ये वाला, एक क्वेश्चन 2-3 इसमें से कर लेना मात्र। कितने देखो क्वेश्चन इससे 3 इंपोर्टेंट इसके बताऊंगा, बता रखे हैं मैंने तुम्हें निशान लगा रखे, पहले वो कर लियो। इसमें से ये 3 क्वेश्चन इसमें से कर लेना बस, मात्र ये 3 क्वेश्चन जो बताए गए हैं, एक-एक क्वेश्चन सारे के सारे। अब आ जाओ कहां, यहां पे कहां गया ये वाले क्वेश्चन 5वें चैप्टर के, ये वाले कर लेना, यहां से 5 क्वेश्चन है बस, और यहां 5 ऑब्व्यू विधि वाला एक क्वेश्चन हो गया, और 4-5 ये हो गया, 5 ये कर लेना, और कहां से सममित विषम सममित 3 या 4 इनसे कर लेना, और 4 ये कर लेना, टोटल 25 क्वेश्चन बैठेंगे। 25 क्वेश्चन करने के बाद तुमको 60+ मिलेगा, तो इतना काम तुम्हें